हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं बजाज फिनसर्व के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 16 सितंबर 2024 के लिए। तो चलिए जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन करके रख दिया। ये चार्ट जो है मैंने मेरे जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए बात करते हैं बजाज फिनसर्व में। सबसे पहले यहाँ पे फ्राइडे के दिन जो क्या देखने मिला, तो फ्राइडे के दिन 2.13% का पॉजिटिव मूव, 1894.45 पे हमें जो क्लोजिंग देखने मिल रही है। तो क्या ऐसा ही पॉजिटिव मोमेंटम रहने वाला है या फिर कोई नेगेटिव मोमेंटम आने वाली, उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका मंडे के लिए जो क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर आपको मार्क करके बताएंगे। किस चीज का आपको ध्यान देना है यहाँ पे मंडे के लिए वो भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ आने वाले दिनों के लिए हम क्या एक्सपेक्ट करें वो भी यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताएंगे। तो जरूर जो यहाँ पे पूरा वीडियो देखें ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए। यहाँ पे आप स्किप करोगे तो आपको जो इंपॉर्टेंट चीज है जो वो मिस हो जाएगी। तो यहाँ पे चलिए जाते सबसे पहले वनडे के चार्ट पे और देखते लास्ट यहाँ पे जो फ्राइडे का जो है परफॉर्मेंस किस तरह का देखने मिला है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये रहा हमारा फ्राइडे का कैंडल। तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम की मैं बात करूँ, वॉल्यूम एवरेज से थोड़ा ज्यादा जरूर देखने मिल रहा है। कैंडल यहाँ पे स्मॉल साइज की बॉडी बनी है, नीचे की साइड में थोड़ी सी बड़ी, ऊपर की साइड में छोटी सी विक हमें देखने मिल रही है। RSI की बात करूँ 76-77 के आसपास, यानी कि ओवरबॉट पे जो चल रहा है, जो हमें एक नेगेटिव मोमेंट का जो इशारा देता है। लेकिन कई और सारे फैक्टर्स होते हैं, उसे भी कंसीडर करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ RSI इंडिकेटर्स पे जो भरोसा नहीं कर सकता। अगर आपको यहाँ पे RSI या भी कोई इंडिकेटर्स या फिर किस तरह से आपको जो इंट्राडे वाइज जो यहाँ पे ट्रेडिंग जो सीखनी है वो भी हमसे बिल्कुल ही फ्री में, जरूर हमें टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। वहाँ पे जो हमने आपको पिन कमेंट में जो बताया किस तरह से आप हमसे जो बिल्कुल ही फ्री में जो है वो भी लाइव वेबिनार के थ्रू जो आप हमसे सीख सकते हैं, तो जरूर आप उसको चेकआउट कर ले। बाकी यहाँ पे मेरी एक्सपेक्टेशन कहने से पहले ट्रेंड जो स्टॉक में पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ट्रेंड में मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा इंट्राडे में जितना हो सके बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि वहीं पर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपके फेवर में होगा और वहीं पर हमें प्रॉफिटेबिलिटी जो देखने मिलेगी। बाकी यहाँ पे इंट्राडे वाइज जो है जब भी आप जो है बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, तो यहाँ पे सपोर्ट साइड में जब भी स्टॉक आए तब भी आपको ग्रैब करना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्टॉक जो ऊपर जा रहा है तो आपने तुरंत ही ऊपर का जो बाइंग कर लिया। यहाँ पे जो स्टॉक जो कभी भी सपोर्ट के साइड है तब यहाँ पे आपको जो थोड़ा सा जो है मोमेंटम अगर आपको देखने मिले, कुछ पैटर्न जो देखने मिले, तब यहाँ पे जो है आपको बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। बाकी मेरी एक्सपेक्टेशन आने वाले दिनों के लिए नेगेटिव मूव की, एक्सपेक्टेड डाउनसाइड हमें 1871 के आसपास देखने मिलेगा। अगर उसको भी क्रॉस कर दिया मोमेंटम हमें जो है 1837 तक आते हुए देखने मिल सकता है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन आने वाले दिनों के लिए थोड़ी सी नेगेटिव मूव की है। आपको क्या लगता है क्या हो सकता है वो आप जरूर हमें कमेंट करके बताना। बाकी चलिए जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो मैं मार्क करके आपको दे देता हूँ, जो यहाँ पे आपको मंडे के लिए जो हेल्प करेंगे। तो फिलहाल जो भी मैं मार्किंग्स कर रहा हूँ, मैं चाहूंगा आप भी जो सेम टू सेम अपने चार्ट में मार्किंग्स कर ले, क्योंकि ये मार्किंग्स जो बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेगी अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो है मेंटेन करने में। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट अब हमारी नीचे के साइड में जो मार्किंग्स हो चुके हैं, थोड़ा सा यहाँ पे जो है ऊपर के साइड में हमारे पास कोई ज्यादा डेटा नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे जो हम साइकोलॉजिकल नंबर जो यूज करेंगे। तो फिलहाल जो है यहाँ पे मैं 10-10 पॉइंट्स के बेसिस पे जो थोड़ी सी साइकोलॉजिकल नंबर जो मैं मार्क करके रख देता हूँ, तो जरूर जो आप अपने चार्ट पे यहाँ पे ध्यान से कर ले। बाकी यहाँ पे जो है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो बेल आइकन को दबाना ना भूले। क्लोजिंग यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे 1898 पे क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है यहाँ पे हमारा 1892 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 1901 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक हमारा जो क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते अपना ट्रेड लेना। अगर आपको नहीं पता कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है, किस तरह की दिखती है, तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटजी करके एक वीडियो ऐड किया, उसको आप जरूर देख लेना। वहां पे हमने आपको हर एक चीज समझाया, थोड़ा सा लेंदी वीडियो है लेकिन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपको जो यहाँ पे ट्रेडिंग में जो बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा, तो उसको आप जरूर देख लेना। बाकी डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 1881 का, उसके बाद का था 1873 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन के बाद का अगला था 1910 का, उसके बाद का था 1919 का। तो यहाँ पे ये जो मैंने दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस जोन आपको बताएं, जरूर जब उसी को कंसीडर में रखते हो अपना यहाँ पे इस मंडे का जो है ट्रेड ले। मेरी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे मंडे के लिए मैं कहूँ तो जरूर एक नेगेटिव मूव की है, एक्सपेक्टेड है 1881 से लेके 1892 के रेंज में हमें एक नेगेटिव क्लोजिंग जो देखने मिल सकती है। इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखना, मेरी एक्सपेक्टेशन नेगेटिव मूव की है। अगर यहाँ पे जो गैप ऑफ ओपनिंग हुई मंडे के दिन, यानी कि 1902 के ऊपर जो स्टॉक हमें जो गैप ऑफ ओपनिंग दिया, या फिर जो पहली 15 मिनट की कैंडल जो 1902 के ऊपर जो हमें आते हुए देखने मिली, तो स्टॉक जो फिर यहाँ पे ज्यादा कोई बड़ा मूव नहीं देगा, लेकिन ऊपर के साइड में जाके फिर हमें एक रिवर्सल जो वो दे सकते हैं, फिर नो ट्रेडिंग जोन में स्लाइट नेगेटिव
टू पॉजिटिव क्लोजिंग जो हमें दे सकते हैं, लेकिन नो ट्रेडिंग जोन में हमें क्लोजिंग फिर देखने मिल सकते हैं। इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखें। बाकी ओवरऑल फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे के लिए मेरी एक्सपेक्टेशन नेगेटिव मूव के, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन, आपको क्या लगता है क्या हो सकता है मंडे के दिन, हमें जरूर कमेंट करके बताना। बाकी यहाँ पे जो अगर आपको ऐसे ही जो हमारे एनालिसिस जो देखने हैं, एवरी डे मैं 4 वीडियो जो है यहाँ पे अपलोड करता हूँ, तो उसको देखने के लिए आप जरूर जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ जो बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो वो आप ऑन कर ले, ताकि यहाँ पे आपको हर एक जो हमारी नई वीडियो आए तो आपको जो है पता चले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।